देख सकते हैं आप एनसीबीआई के ऊपर जा सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एनसीबीआई क्या है ये देखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ऑफ नहीं होता, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। जस्ट क्लिक गूगल पे करेंगे एनसीबीआई, आपको लिंक मिलेगा, जबकि काफी ऑथेंटिक होता है, ओपन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एनसीबीआई के केसेस में जैसे कई सारी चीजें होती है, डिपॉजिट डेटा मैन्युस्क्रिप्ट डेटाबेस के लिए है, डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारी चीजें हैं और इसमें कई सारे रिसोर्सेज जैसे कि ऑल रिसोर्सेज आपके ऊपर पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा मेनी रिसोर्सेज इज देयर, यू कैन गो फॉर ऑल रिसोर्सेज, क्या क्या अलग अलग चीजें, असेंबली, बायो प्रोजेक्ट, बायो सैंपल्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है, बायो मेडिकल लिटरेचर डेटाबेसेस, स्मॉल मॉलिकुलर डेटाबेसेस एंड बहुत सारे डेटाबेसेस आपके लिए पाए जा रहे हैं। इसमें डेटा है, केमिकल बायोसेस हैं एंड डीएनए एंड आरएनए के केसेस में आप जा सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक्स, मेडिसिन, बहुत सारे उसमें आप लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, सिक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यू कैन गो, अगर लिटरली आपको करना है तो इसको एक्सप्लोर करिए एनसीबीआई की साइट्स को, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। देखिए सिक्वेंस एनालिसिस में ब्लास्ट स्टैंड अलोन की तरीके से कि यहाँ पे जो है आप लाइनक्स पे या किसी चीज पे ब्लास्ट को रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टूल्स को यूज कर सकते हैं, देखिए कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल जो कि बात किया था मैं, ये सारी चीजें जो है सर्च करेंगे, बेसिक लोकल सर्च अलाइनमेंट टूल, तो आप इस पे जा सकते हैं जस्ट लाइक कंपेयरिंग के लिए। तो आपको करना क्या होता है कि बहुत बेसिक चीजें होती है, देखिए इसमें आ गया। अब क्या करना है कि आपके लिए रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन जो कोविड 19 के केसेस में कुछ इन्होंने लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या करना है ब्लास्ट जीनोम के बारे में आपको देखिए डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए, आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए या स्मार्ट ब्लास्ट कर सकते हो, कई सारे अलग अलग वेरियंट्स है, सर्चेज है। अगर आपको ब्लास्ट जीनोम, ह्यूमन जीनोम चाहिए, कुछ इस तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट केसेज जो होते हैं आप यहाँ पे चल कर, अब देखिए ये क्या है, इंटर द एक्सेसर नंबर या फास्टा सीक्वेंस, ठीक है, ये कर सकते हैं या फाइल चूज कर सकते हैं या कुछ भी ये ब्लास्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एनसीबीआई के दूसरे साइट पे जा रहा, मतलब उसी साइट पे अगेन जा रहा हूँ कुछ सीक्वेंस लेने के लिए, ठीक है, ब्लास्ट करूंगा मैं, सिमिलर सिक्वेंसेस आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया ड्रोसोफिला, ठीक है, या गिब्बन जो है, गिब्बन को ले लिया हमने, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज के केसेस पे जा सकते हैं, देखिए कि यहाँ पे जो है लिटरेचर, जीन्स एंड अलग अलग केसेस में आपको क्या चाहिए, जीनोम चाहिए, जीन चाहिए, तो मैं जीन्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को जीन चाहिए क्योंकि मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। पबमेड पे ये सब लिटरेचर वगैरह के लिए आपको मिलेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए कुछ जीन्स के फॉर्म में जैसे कैरियर टू फैमिली या सॉल्यूट कैरियर टू फैमिली होमोसेपियंस ह्यूमंस के फॉर्म में है, ये अलग अलग चीज़ें पाई जा रही हैं। ये देखिए गिब्बन ल्यूकेमिया वायरस के ऊपर बात है, मान लो कुछ भी हमने ये ले लिया, ठीक है, ओपन किया आपने इसको, क्लिक किया जो भी आपको चाहिए, दिस इज़ लाइक वेरी इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस दे दिया, यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसेस दे दिए, सम बिबलियोग्राफी दे दिया इसमें, और ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस दे दी। और आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेसन वर्जन या ये सारी प्रोटीन के केसेस में बहुत कुछ ले लिया। एडिशनल लिंक्स के लेकर नीचे जाके और भी चीज़ों को देख सकते हैं अलग अलग जीन्स एंड जीनोम्स के लिए। सो मैनी थिंग्स इज देयर, ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए जीनोमिक कंटेक्स्ट के ऊपर बात किया जा रहा है और सारी चीज़ें हैं। एक्सेसर नंबर आप यहाँ से डायरेक्ट उठा के डाल सकते हो या जेन बैंक पे जा सकते हो जिस पे जीन है, या आपको देखिए अगर फास्टा चाहिए, ठीक है, या सीक्वेंस वीवर ग्राफिक्स के ऊपर जा सकते हैं, डायरेक्ट सीक्वेंस देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप चाहिए तो देखिए ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सीक्वेंस वीवर करेंगे तो हियर जीन बैंक या फास्टा, मैं फास्टा देख रहा हूँ, ठीक है, फास्टा फॉर्मेट में हम ले जाके जा सकते हैं। देखिए ये रहा फास्टा फॉर्मेट, ठीक है, ये फास्टा फॉर्मेट में ग्राफिक्स के तौर पे देखिए पूरा का पूरा ये सीक्वेंस है, ए टू जेड आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से पूरा का पूरा आपने कॉपी कर लिया, ये ले लिया। देखिए पहली लाइन जो है आपको बताई गई थी कि यहाँ पे ये शुरुआत कैसी है, ये देखिए इस लेस देन एरो से, तो ये चीज़ होती है, आपने इसको लिया और यहाँ पे इंटर द एक्सेसन नंबर या फास्टा सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेसन नंबर करिए या जीआई नंबर करिए, इसके बाद आपने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको कोई भी जॉब टाइटल या कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ नॉर्मल ये जॉब टाइटल अपने आप ले लिया, इसके बाद आप इसका ब्लास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब ब्लास्ट करोगे तो यू कैन सी लिखिए सर्चिंग, देयर इज सर्चिंग, और सर्च किया इन्होंने कई सारी चीज़, नो सिग्निफिकेंटली सिमिलरिटीज फाउंड, कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली सिमिलर फाउंड नहीं है इस पर्टिकुलर ल्यूकेमिया के लिए, ठीक है। तो यू कैन फाइंड लाइक अलग अलग जैसे बीटा ग्लोबिन जीन,
ठीक है। बीटा ग्लोबिन जीन के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे, बीटा ग्लोबिन जीन। सो नाउ दिस इज लाइक, ये देखिएगा कि अलग अलग केसेस में बीटा ग्लोबिन जीन के ऊपर बात आएगा कि कितने बेस पेयर है, कितना ये है। इसके नीचे भी कई सारी चीज़ें होती है, फास्टा, और ये आपको यहीं पे ऑलरेडी मिल जाएगा, होमोसेपियंस क्रोमोजोम नंबर। ये इसका देखिए फास्टा लेते हैं हमने होमोसेपियंस का, ठीक है। सो एक्सप्लोर कर सकते हैं, डायरेक्ट फास्टा पे जाइए, फास्टा सीक्वेंस आ जाएगा आपको। देखिए ये है अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अभी ये NNN का मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, प्रॉपर सीक्वेंस आपके पास नहीं है इसका। ह्यूमन बीटा ग्लोबिन रीजन इसका देखते हैं हम, इतने बेस पेयर हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया बीटा, ह्यूमन बीटा ग्लोबिन जून ऑन द क्रोमोजोम नंबर 11। मैं पूरा सीक्वेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इतना कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना कॉपी करना आप ले सकते हैं, उसमें बता सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं मिला था आपके पास, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ वापस से, ठीक है, और देख लेता हूँ कि ब्लास्ट में फिर हमें क्या करना है। नाउ फिर से हम यहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीटा ग्लोबिन जीन ऑल डॉप टाइटल ले लिया है। चलिए इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं ये क्या है, ब्लास्ट कुछ मिलता है हमें या नहीं मिलता, ठीक है। वेट करिए, सर्चिंग। नाउ देखिए यहाँ पे ये मिल गया होमोसेपियंस में, ये जो जहाँ पे आपने देखा था उसमें कितना मैच करा, देखिए टोटल क्वेरी कवर 100% है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सेशन नंबर बता दिया, मैक्सिमम स्कोर इतना है, टोटल स्कोर इतना है, पूरा का पूरा मैच कर जा रहा है वो सीक्वेंस। ई वैल्यू 0.0 है, मतलब जितनी कम ई वैल्यूज़ होती है उतना ही ये चीज़ आ जाता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि इस तरीके से परसेंटेज आइडेंटिटी देखिए 99.6 है एक्चुअली। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर एंड लर्न कर सकते कई चीज़ों के बारे में और सीख सकते हैं, ठीक है। सो होप यू गाइस कि आपको ये समझ में होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं और बायोइनफॉर्मेटिक्स ट्रेनिंग में जब आप करते हैं तो सीखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन लाइक, बिकॉज इस पर बहुत सारी चीजें, आप जाइए डोमेन स्ट्रक्चर्स पे, और भी चीजें मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनएकेडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनएकेडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनएकेडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए, और यूज करिए रिफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।